तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप 2023 में अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक मिस कॉल के जरिए बैलेंस चेक कैसे कर पाएंगे। देखिए डिटेल से इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे। देखिए 2023 में कुछ चीज़ें हैं जो कि बदलाव हुआ है, आप लोग को ध्यान से इस वीडियो को देखना है। देखिए बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट तो है लेकिन उनका गूगल पे फ़ोनपे नहीं बन पाता है, जिसके वजह से वो लोग बैलेंस इंक्वायरी या फिर बैलेंस चेक नहीं कर पाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज के डेट के हिसाब से 12:11 पर अभी 195 रुपये मेरे अकाउंट में बैलेंस है और मैं यहाँ पर मिस कॉल के जरिए अपना बैलेंस चेक कर पा रहा हूँ। तो नंबर कौन सा है आप लोग को डिटेल से बताएंगे। तो है गाइस स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बैलेंस चेक हो चुका है। देखिए बैलेंस चेक होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को गूगल पर सर्च करना है, गूगल पर सर्च करना है SBI मिस कॉल बैलेंस चेक नंबर, ठीक है। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आप लोग के सामने ये नंबर आ जाएगा। रुकिए रुकिए जरा रुकिए, आप लोग को तुरंत डायल नहीं करना है, आप लोग पहले ध्यान से सुन लीजिए। डायल करने से पहले ध्यान से सुन लीजिए आप लोग को। देखिए यहाँ पर बैलेंस चेक करने से पहले, ये जो नंबर है इसको आप लोग को पहले डायल कर लेना है। इसके बाद जीरो को हटा लेना है, ठीक है। जीरो को हटाने के बाद यहाँ से जो गैप है इसको भी हटा लेंगे, ठीक। इसके बाद सिंपली डायल करेंगे और डायल किस नंबर से करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही देखिए मिस कॉल गया वैसे ही तुरंत एक SMS आ गया, ठीक है, और ये कॉल जो है कट जाएगा। अब ये 12:14 आप देख सकते हैं कि यहाँ टाइम भी हो रहा है, इतने बजे पर SMS भी आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोबारा से जो है हमारा बैलेंस इंक्वायरी यहाँ पर हो चुका है। देखिए अगर मान लीजिए आप डायल कर रहे हैं, डायल होने के बावजूद भी आप लोग का बैलेंस चेक नहीं बता रहा है, ठीक है, या फिर कोई और मैसेज आ रहा है, तो आप लोग को क्या करना है। देखिए आप लोग को डायल उसी नंबर से करना है जो नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट में लिंक है, उसी नंबर से करना है। अगर आप लोग का अकाउंट में लिंक नहीं है या फिर ये सर्विस एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, तो आप लोग को एक्टिवेट भी कैसे करना है आप लोग को सिंपली मैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो है अपना इस सर्विस को एक्टिवेट कर सकते हो, डिटेल से बताऊंगा। बाकी जो नंबर है इस नंबर से आप लोग को सिंपली डायल करना है, और इस नंबर से डायल करते ही आप लोग का फ़ोन कट जाएगा एक मैसेज एक घंटे जाने के बाद ही। देन आप लोग जो है आप लोग बैलेंस यहाँ पर चेक कर पाओगे। ये नंबर आप नोट कर लीजिए 9223N5×6, ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर से आप लोग को कॉल करना है उस नंबर से जो नंबर आप लोग के बैंक अकाउंट में लिंक है। अगर मान लीजिए आप में अगर आपका बैलेंस नहीं शो कर रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम बता रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगा कि आप लोग को आगे कैसे इस सर्विस को एक्टिवेट करना है या फिर अगर आप में नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में हमारे साथ साझा करना ना भूलिएगा।